हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका गुप्ता है और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ड्राइंग जिसमें कि हम यूज करेंगे ऑयल पेस्टल, एक पेंसिल, कंपास और एक पेपर फोल्डर स्क्वायर और एक शार्पनर। अगर आपकी पेंसिल ब्लंट है तो फिर आप शार्पनर से उसको शार्प कर सकते हैं और एक इरेजर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें एक पेंसिल लेनी है और एक ब्रांच बनानी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने एक ब्रांच बना ली है। अब हम एक बर्ड बनाएंगे जो इसके ऊपर जो ब्रांच के ऊपर बैठकर सनसेट को देख रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक बर्ड भी बना ली है। अब हम बनाएंगे एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक कंपास को यूज करके, और बीच में हमें ये स्क्वायर रखना है। बीच में नहीं, जो बर्ड के एकदम फ्रंट में हो, और कंपास और बिल्कुल थोड़ा सा खोल के हम एक सर्कल बनाएंगे। और हमने पेपर फोल्डेड स्क्वायर बीच में इसलिए रखा है ताकि अगर जब हम इस कंपास को हटाए तब एक डॉट जो बन जाती है कभी कभार यहाँ बीच में, जो कि स्क्वायर पर आ जाएगी और यहाँ पर सर्कल एकदम अच्छे से बन जाएगा। उसके बीच में जो डॉट है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो फिर वो डॉट भी बीच में नहीं आएगी। अब हम एक ब्लैक कलर लेंगे और इस ब्रांच में और बर्ड में इसको करेंगे। तो दोस्तों, हमने बर्ड में और ब्रांच में कलर कर लिया है ब्लैक कलर। तो अब हम चालू करते हैं इसके बैकग्राउंड में कलर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें कलर कर लिया है। अब हम ना इसमें कलर करेंगे जो कि है। अब हम इसमें करेंगे पहले येलो करेंगे, फिर उसके बाद ऑरेंज करेंगे। चलो करना शुरू करते हैं। तो अब हमें इस पार्ट में येलो करना है। और दोस्तों, हमें कलर करने से पहले जो हमने सन बनाया है उसको पेंसिल का इरेज करके हमें उसके ऊपर येलो कलर करना है। उसकी बाउंड्री येलो कलर से बना देनी है।
और फिर कलर करना चालू करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने येलो कलर ये सन के साइड में कर दिया है। अब हम इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर करेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें ऑरेंज कलर भी कर दिया है। अब हम इसमें करेंगे पर्पल कलर। तो अब हम इसमें करेंगे पर्पल कलर और पर्पल नहीं पिंक कलर। तो हम अब उसका भी एक सर्कल बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि उसकी बहुत पतली लेयर होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास लाइट वाला पिंक नहीं डार्क वाला पिंक होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी कलर मिक्स नहीं करना है। बस जो कॉर्नर्स हैं वहां से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना है। तो अब हमने पिंक कलर भी कर दिया है। अब हम पर्पल कलर करेंगे या फिर वायलेट कलर। और ध्यान रखिएगा कि वो डार्क वाला हो।
तो दोस्तों देख आप देख सकते हैं कि हमने पर्पल कलर भी चारों तरफ कर दिया है। अब हम ब्लू कलर करेंगे और बहुत ही जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क हो और जो सारी स्पीड बची है अब हमें उस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमारी ये वाली ये ड्राइंग कितनी अच्छी लग रही है। तो हमारी ड्राइंग खत्म होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।